नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानवीर में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी और उत्तर प्रदेश सहित देश भर के नौजवानों से मेरा आग्रह है कि वे राजनीति की दिशा बदलने वाले उस अभियान की धुरी बने जिसका मैंने लाल किले से आह्वान किया था। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहाँ के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब बयानवीर में बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा। आप भी सुनिए जरा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता, आज ढूंढ के बहुत सारे कागजों के बीच ये कागज मिली। ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये कागज है जिसपे अरविंद केजरीवाल जी के दस्तखत हैं। 7/6/2013 का अरविंद केजरीवाल जी के घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, केजरीवाल जी के हस्ताक्षर भी है, और ये एक शपथ है, एक एफिडेविट है जो केजरीवाल जी ने लिया था 2013। क्या था ये शपथ? मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, इत्यादि इत्यादि। जन लोकपाल बना दूंगा, सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, पेरिस बना दूंगा, जर्मनी बना दूंगा, सब कुछ है इसमें, मगर मुख्यतः लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा। वो तो चलो मोदी जी ने लाल बत्ती ही हटा दी तो अब उपाय ही नहीं है। सुरक्षा नहीं लूंगा, खैर आप जानते हैं उसकी हालत। बंगला नहीं लूंगा, अब बंगला नहीं लूंगा से बंगले की क्या हालत है, किस प्रकार का, वो बंगला तो नहीं कह सकते हैं। शीश महल के इन्वेंटरी कल जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है दिल्ली की, उन्होंने शीश महल अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास के इन्वेंटरी को जारी किया, ऐसे मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है। अब आपको बयानवीर में सुनाते हैं, हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसलिए अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे, उसी दिन सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है, श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं तो स्वाभाविक गुंडों की पार्टी कौन है, उत्तर प्रदेश की जनता से। एक सवाल और है सर, अखिलेश यादव, अभी आपने चूंकि सदस्यता अभियान की बात की, उन्होंने आज सदस्यता अभियान पर भी कहा है कि भाजपा जो है सदस्यता अभियान नहीं, जमीन पर कब्जे अधिक करने का अभियान चला रही है, आरोप है अखिलेश यादव का। श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया, जितने हैं उनकी सबके सरगना है, सरदार है, और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का। अगर वो बायनाड से चुनाव लड़े
रायबरेली हम लोग संभाल लेंगे। राम गोपाल यादव का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में एक तरफा जीतेगी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 का दावा किया था, नतीजा सबके सामने आया। ये तो दावा वो 2014 से उनके दावे देखिए, 14 में जो दावा किए सपा सफल नहीं हुई, 17 में जो दावा किया सत्ता में थे विफल हो गए, 19 में सपा बसपा गठबंधन किए फेल हो गए, 22 में कहे कि 400 सीटें जीतेंगे चारों खाने चित हो गए, 24 में उन लोगों ने जनता को गुमराह किया, ना संविधान को खतरा, ना आरक्षण को खतरा, ना गरीब को खतरा, ना पिछड़ों दलितों किसी वर्ग को कोई खतरा नहीं, सबका सम्मान सबको अधिकार मिल रहा है। यह बेचैनी इन लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कमल खिलने के बाद इनके झूठ की पोल खुल। धन्यवाद। चलिए इस खास कार्यक्रम बयानवीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।